नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसने खेत में अच्छे तरीके से बीज को बो दिया। धीरे 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 क्रॉप्स उगने लगे। वही छोटे छोटे क्रॉप्स पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना दिया। उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। बच्चे छोटे थे, रोज चिड़िया जंगल जाती, खाना खाने का लेकर आती और बच्चों को खिलाती। ये दिनचर्या चलती रही। एक बार हुआ ऐसा कि चिड़िया जब शाम को वापस आई तब बच्चे डरे हुए। चिड़िया ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? बच्चों ने बताया कि आज वो किसान आया था और बोल रहा था कि कल ये जितने भी क्रॉप्स दिख रहे हैं वो मैं सब मेरे बेटे को बोलूंगा, कल आके वो काट दे। चिड़िया ने बोला, आप चिंता मत करो, कल वो नहीं आएगा। दूसरा दिन हुआ, वो ऐसा ही कि कोई नहीं आया और उसी तरह से क्रॉप्स लहराते रहे। समय बीत गया, फिर से एक बार वही सब चीजें चलती रही। शाम को चिड़िया वापिस आई, फिर से बच्चे डरे हुए थे। चिड़िया ने फिर से पूछा कि क्या हुआ? बच्चों ने बताया कि आज फिर से किसान आया था और बोल रहा था कि मैं मजदूरों को बोलूंगा, कल आकर ये सब क्रॉप्स को काट दे। चिड़िया ने बोला कि आप चिंता मत करो बेटा, कोई आने नहीं वाला है। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, कोई नहीं आया। बहुत दिन चले गए। एक दिन शाम को जब चिड़िया वापिस आई, फिर से बच्चे डरे हुए थे और बच्चों ने बोला कि आज फिर से किसान आया था और उसने कहा कि मैंने सब पर अपना काम थोपा और कोई नहीं आया, अब तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, कल मैं खुद आऊंगा और खुद आके ये क्रॉप्स को काट दूं। चिड़िया ने बोला बच्चों से कि अब हमें जाना पड़ेगा, कल किसान सही में आएगा और ये क्रॉप्स को काट देगा। बच्चों ने पूछा, ऐसा क्यों? पहली दो बार आपने बोला था कि किसान नहीं आएगा, तो नहीं आया था, तो इस बार भी किसान नहीं बोला है, वो आएगा लेकिन हो सकता है कि वो कल ना आए। चिड़िया ने बताया, नहीं, पहली बार जब भी किसान ने ऐसा बोला था कि वो क्रॉप्स को काटेगा तो उसने बोला था कि वो उसके बेटे को भेजेगा। दूसरी बार तब उसने ऐसा बोला था कि वो मजदूरों को भेजेगा, माने वो अपने आप खुद काम नहीं करता था, वो डिपेंडेंट था। और जब भी आप किसी पर डिपेंडेंट होते हो तो आपका काम नहीं होता, लेकिन इस बार वो खुद आने वाला है, इसलिए उसने खुद तय किया है कि अपना काम वो खुद करेगा, तो वो जरूर से आएगा। और ये कह के चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए थे, वो उड़कर दूसरी जगह पर चले गए। फ्रेंड्स, हमको ये कहानी पर से ये पता चलता है कि हम कोई भी काम करें, हेल्प लेना चाहिए, किसी की मदद लेनी वो खराब नहीं है, लेकिन पूर्णतः अगर हम किसी पर निर्भर रहेंगे तो हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। हमें सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ लर्निंग की जरूरत है। अब जो कुछ भी काम करें वो डिपेंडेंसी से नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट होकर कर, अपना काम खुद कर, अपना काम किसी पर ना थोपे, अपना काम कोई और करेगा ऐसा ना सोचे, क्योंकि आपको जो कुछ भी करना है वो अगर आप किसी पर निर्भर रहे तो हो सकता है कि वो कभी ना हो, और अगर आप खुद वो काम करें तो हो सकता है कि लगता है कि ये काम नहीं होगा लेकिन तुरंत हो जाए। तो चलिए मित्रों, आज से हम निर्णय करें कि अपना काम हम खुद ही करेंगे, पूर्णतः स्वतंत्रता से, और परतंत्र नहीं बनेंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनेंगे। इसी छोटी सी कहानी के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया वाणी को विराम देता है। अगले एपिसोड में फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक सबका शुभ हो।